नमस्कार दर्शकबिन, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः एक बृहद जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं और अभी फिलहाल के समय चलता हुआ वैश्विक जो संकट है, इससे बाहर निकलने के लिए अथवा आपके मकान के अंदर किसी भी प्रकार के नकारात्मक तत्वों का आगमन ना हो, घर के अंदर प्रवेश ना करें, उसके लिए ये नवरात्र में क्या करना चाहिए अथवा नवरात्र के बाद भी जब तक ये समस्या हमारे देश के अंदर विद्यमान है, तब तक क्या करने से आपके घर के अंदर इस चीज़ का प्रवेश नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बृहद जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और विशेषकर ध्यान रखें कि पूजा और पाठ कोई भी हो, आप घर के अंदर ही रहकर करें। मंदिर में जाके पूजा करने से अथवा घर में पूजा करने से ज़्यादा अंतर नहीं आता, इसलिए आप घर में रहकर मन में विश्वास और आस्था के साथ घर में बैठकर आप पूजा करें, जिससे आपको 100% फल आपको प्राप्त होगा। दान पुण्य करने के लिए आप ये दान पुण्य की जो सामान है उसे रख के आप बाद में भी किसी ब्राह्मण अथवा कन्या को ये चीज़ आप दान कर सकते हैं। तो आइए, घर के अंदर क्या चीज़ जलाने से अथवा क्या चीज़ रखने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं होगा और क्या करने से कोरोना वायरस के संक्रमण से आप सुरक्षित रहेंगे, उसके बारे में जानकारी लेकर बस्तवा हूँ। सर्वप्रथम घर में ओरिजिनल कपूर, गुग्गल, काली मिर्च और लौंग, ये चार प्रकार की चीज़ आप एकत्रित करके घर में प्रातः और शाम ध्वनि दें, जिससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। जैसा कि कोरोना वायरस के नाम से जो वायरस अभी प्रचलित है, ये भी एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा का ही लक्षण होता है। अगर आपके घर के अंदर सकारात्मकता का भाव होगा तो यह भी ज़्यादा बढ़ नहीं पानेगा, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पानेगा, जिससे आप लोग सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जिनके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होता, उनके घर के अंदर कुल देवता, वास्तु देवता, पितर देवता लगाए तो सभी देवी देवता घर के अंदर विद्यमान होने से आपको सदैव सुरक्षित रखेंगे। परमात्मा की ऐसी कृपा बनी रहेगी कि आप किसी से स्पर्श में नहीं आएंगे और आपको ये जो रोग फैल रहा है इस रोग से आप बचे रहेंगे। और मंत्र भी आप लोगों जाप कर सकते हैं, सर्व बाधा विनर्मुक्ता धन धान्य स्थान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। दूसरा मंत्र है, रोगान शेषाम नृपहंसतुष्टा अष्टा तु कामा शुक्लान अभिष्टा त्वामाशितानम नपिरन नरणा त्वामाशितानम हाश्रयतम प्रयन्ति। ये मंत्र अगर आप याद है तो आप ये मंत्र जरूर पढ़ सकते हैं, अगर याद नहीं है तो सूक्ष्म मंत्र मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। ओम एं हिलिंग किलिंग चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को भी जाप करने से जो भी कष्टाई है, दुर्गुणता है, कमजोरिया चीज है, वो सभी दूर होता है। विशेषकर अभी नव संवत आरंभ हुआ है, ग्रहों का परिवर्तन होना, ग्रहों के दृष्टि गोचर, शनि ग्रहों का दृष्टि गोचर अभी निम्न भाव पे विद्यमान है, इसलिए कुछ समय आप लोगों घर के अंदर ही व्यतीत करके समय व्यतीत करें। जैसा ही ग्रह अपनी स्थिति पर पहुँचेंगे स्थिति नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए 10-11 मई तक आप लोगों को संयमित रखना है। अगर आप लोगों को संयमित रखेंगे, घर से अंदर ही अगर आप रहेंगे तो आपको इस प्रकार समस्या से बाहर निकलने में आपको सहायता प्राप्त होगा। क्योंकि 10-12 मई तक विशेषकर ये जो वायरस चल रहा है इसका प्रकोप प्रबल रहेगा, उसके बाद जब ग्रह गुण जब संपन्नता होगा और ग्रहों के अंदर बल प्रवेश करेगा तभी जाके ये जो समस्या हम देख रहे हैं, जो समस्या हमारे आसपास में घूम रहा है, इस समस्या से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए माता रानी से प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवधानें ना आए और जो चार चीज़ मैंने आपको बताया है इसका आप ध्वनि देते रहें, जिससे आपके घर के अंदर कोई भी समस्या का आगमन नहीं होगा। हस्त मित्र, आज की तरह ही क्या समस्या है कमेंट्स में जाके जरूर कमेंट्स करें। कोई भी समस्या है, संतान प्राप्ति में बाधा, पुत्र प्राप्ति में बाधा, कोई भी मनोरथ पूर्ण करने में बाधा, नौकरी व्यवसाय में बाधा,
घर में चलता हुआ समस्या, सभी समस्या के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 8899007 और 50। संपर्क करने से पहले समय जरूर आप सुन लें, शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप फोन करेंगे तो आपसे हम बात कर पाएंगे। और परामर्श के लिए आप गूगल पे, पेटीएम अथवा सोशल नेटवर्क के जो भी आप दक्षिणा सेंड करना चाहते हैं हमारे इसी नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं और हमारे संस्थान में से आपको मेंबरशिप भी ले सकते हैं। हरिओम।